एक ऐसी फिल्म जिसमें फिल्म का लीड एक्टर पास में जाता है और वहाँ वो खुद से मिलता है और खुद को ही जन्म देता है। क्या हुआ, सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी फिल्म आ चुकी है? तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन राजपूत एंड दिस इज डे 37 ऑफ आवर 50 डेज 50 रिकमेंडेशन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी फिल्म रेकमेंड करूंगा जिसे देख करके आपका दिमाग घूम जाएगा और आप फिल्म देख करके यही सोचते रहोगे कि फिल्म में चल क्या रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ 2014 में रिलीज हुई हॉलीवुड की फिल्म प्रीडेस्टिनेशन की। और भाई साहब, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये फिल्म देख लोगे तो आप फिल्म देखने के बाद फुल ऑन कंफ्यूज हो जाओगे, बट स्टिल आप फिल्म को लास्ट तक देखोगे फॉर सस्पेंस एंड थ्रिलर। फिल्म की कहानी शुरू होती है जब एक एजेंट को उसका आखिरी असाइनमेंट मिलता है और वो असाइनमेंट ये रहता है कि उसे पास्ट में जाकर के एक बॉम्ब अटैक को रोकना रहता है। और उस मिशन में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि आपका दिमाग जरूर घूम जाएगा। शुरू करने से पहले आप याद रखिए कि फिल्म में चार मेन कैरेक्टर है, जेन, जॉन द बार्टेंडर एंड द फिजल बॉम्ब। फिल्म स्टार्ट होती है जब जॉन बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए एक फैक्ट्री में आता है, लेकिन वहां पर बॉम्ब प्लांट करने वाला भी आ जाता है और वो जॉन पर हमला कर देता है और उसकी वजह से वो बॉम्ब जॉन के फेस पर ही फट जाता है। और फिर जॉन अपनी टाइम मशीन की मदद लेकर के 1992 में अपने हेडक्वार्टर्स में जंप करता है और वहाँ पर उसका ऑपरेशन होता है और उसके चेहरे को पूरी तरीके से ठीक किया जाता है। और ठीक होने के बाद जॉन सीधा 1972 में जंप करता है और वहाँ पर वो एक बार में एज अ बारटेंडर काम करता है। तो जी हाँ, जॉन ही बारटेंडर रहता है। और फिर एक दिन बार में एंट्री होती है यंगर जॉन की और ये यंगर जॉन अभी तक एजेंट नहीं बना है और चेहरा चेंज हो जाने के कारण वो यंगर जॉन उस बारटेंडर को नहीं पहचान पाता और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और बातों बातों में यंगर जॉन बारटेंडर को बताता है कि जब वो पैदा हुआ था तब वो एक लड़की था और पैदा होने के बाद उसे किसी ने ऑर्फनेज में जाके छोड़ दिया था। एंड जॉन ने उस बार्टेंडर को बताया कि जब वो लड़की था तब उसका नाम जेन था। एंड जेन जब बड़ी हुई तो उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है और उस आदमी से वो प्यार कर बैठती है एंड लेटर ऑन वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो आदमी गायब हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद जब जेन हॉस्पिटल में उठती है तब उसे पता चलता है कि उसका फीमेल ऑर्गन पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और लेटर ऑन डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों ही ऑर्गन मौजूद रहते हैं। एंड जेन की जान बचाने के लिए डॉक्टर ने जेन का जेंडर ही बदल दिया रहता है एंड उसके बाद जेन ने अपना नाम जॉन कर लिया रहता है। और ये सुनने के बाद वो बारटेंडर कोशिश करता है जॉन की मदद करने की और वो उसे पास में लेके जाता है ताकि उसे पता चल सके कि वो अनजान इंसान कौन रहता है। और फिर जॉन की मुलाकात होती है जेन से और फिर हमें पता चलता है कि वो अनजान इंसान और कोई नहीं रहता है बल्कि जॉन ही रहता है। सो गाइज, अगर मैंने आपको आगे की स्टोरी बता दी तो ये आपके लिए बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा और ये मैं नहीं चाहता हूँ। सो वी हाईली रेकमेंड यू गाइज टू गो एंड वॉच प्रीडेस्टिनेशन विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। सो दैट्स इट फॉर डे 37। होप सो गाइज लाइक द वीडियो एंड सी यू गाइज टुमारो विद अ न्यू रेकमेंडेशन।